पश्चिमी भारत के शहर जोधपुर को थार रेगिस्तान के सिंह द्वार के रूप में जाना जाता है, जो कि एक चंद्राकार पठार के इर्द गिर्द बसा हुआ है। अपनी इस प्राकृतिक बसावट व बनावट के कारण यहाँ जैव विविधता का विपुल भंडार है, जिसके फलस्वरूप यहाँ खुले जंगल, वेटलैंड्स, खेत, बाग व बगीचों जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध हैं। इसी कारण यहाँ मानव आबादी के साथ 50 से ज्यादा स्तनधारी वन्य जीव, 160 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। गिद्धों को गांव, नगरों के बाहर खुले स्थानों, नगर पालिका के मृत मवेशी डालने वाले स्थानों पर मृत जानवरों को खाते हुए या दोपहर में आकाश में ऊंचाई पर चक्कर लगाते हुए आसानी से देखा जा सकता है। ये शर्मीले, शांत वो एकांत प्रिय पक्षी होते हैं। सामान्यतः 8 से 10 से लेकर 30 से 40 के समूहों में ये देखे जा सकते हैं। कभी कभी तो 200 से 300 तक विभिन्न प्रजातियों के गिद्ध एक साथ देखे जा सकते हैं। इनकी दृष्टि बहुत ही पैनी होती है। जिससे ये ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर पड़े मृत जानवर को देख लेते हैं और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ये नीचे जमीन पर उतरकर उस मृत जानवर को खाकर उस क्षेत्र का पर्यावरण स्वच्छ कर डालते हैं। और उनका यही व्यवहार मानव समुदाय को मृत मवेशियों से होने वाली सड़ांध व बीमारियों से बचाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत में ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। किंग वल्चर 84 सेंटीमीटर, संपूर्ण भारत के खुले मैदानों एवं खेतीहारी इलाकों में। सिनेरियस वल्चर 105 सेंटीमीटर, मध्य उत्तरी भाग में नेपाल, भूटान व तिब्बत के पहाड़। यूरेशियन ग्रिफान वल्चर 100 सेंटीमीटर, हिमालय के पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल व सर्दियों में संपूर्ण पश्चिमी भारत। हिमालयन ग्रिफान वल्चर 120 सेंटीमीटर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल, भूटान व तिब्बत के पहाड़। लॉन्ग बिल्ड वल्चर 92 सेंटीमीटर, संपूर्ण पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। व्हाइट बैक्ड वल्चर 85 सेंटीमीटर, संपूर्ण भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। इजिप्शियन वल्चर 64 सेंटीमीटर, हिमालय, सतपुड़ा व अरावली के पहाड़, संपूर्ण भारत के मैदान, पहाड़ तथा नेपाल, भूटान व पाकिस्तान। लेमार्गियर वल्चर 122 सेंटीमीटर, उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्र, नेपाल, चीन व तिब्बत। सामान्यतः ये 1000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भरते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में इन्हें 10,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर भी देखा गया है,
सन 1973 में एयरफोर्स के एक पायलट ने 11,273 मीटर की ऊंचाई पर एक जेट विमान के रिपलीज वल्चर से टकराने की घटना दर्ज कराई। गिद्धों का प्रमुख भोजन जंगलों, गांवों व शहरों के मृत जानवर हैं। साधारणतया 30 से 35 भूखे गिद्धों का समूह एक वयस्क मृत मवेशी को 25 से 30 मिनट में अस्थियों के कंकाल में बदल देता है। गिद्धों के पाचन तंत्र में विभिन्न ठोस पाचक रस पाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये हड्डियों तक को पचाने में भी सक्षम होते हैं। गिद्धों के पेट में प्रायः कांच और सिरामिक जैसे वस्तुएं भी पाई जाती हैं। गिद्धों की अनुपस्थिति में मृत मवेशियों के शव सड़ांध व बदबू फैलाते हैं, जो कि टीबी, एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिजीज को जन्म दे सकता है। गिद्धों का पाचन तंत्र अन्य जानवरों से ज्यादा प्रतिरोधी होता है, इसी कारण ये सड़े गले मांस को खाकर भी जिंदा रह जाते हैं। आकार में सबसे छोटा इजिप्शियन वल्चर व सबसे बड़ा हिमालयन ग्रीफान वल्चर होता है। गिद्धों की आयु 45 से 50 वर्ष तक हो सकती है। विभिन्न प्रजातियों के गिद्धों का वजन 3 से 5 किलोग्राम से लेकर 10 से 12 किलोग्राम तक हो सकता है। इजिप्शियन वल्चर 4 से 5 किलोग्राम, किंग वल्चर 5 से 6 किलोग्राम, व्हाइट बेक्ड वल्चर 5 से 8 किलोग्राम, लॉन्ग बिल्ड वल्चर 6 से 9 किलोग्राम, यूरेशियन ग्रीफान वल्चर 7 से 10 किलोग्राम, सिनेरियस वल्चर 8 से 11 किलोग्राम, हिमालयन ग्रीफान वल्चर 10 से 12 किलोग्राम। प्रातः करीब सूर्योदय के पश्चात ये अपने सामूहिक विश्राम स्थल से कूच कर भोजन की तलाश में चक्कर लगाते रहते हैं। भोजन मिलने की दशा में 10 से 12 बजे तक भोजन ग्रहण कर बाकी दिन विश्राम में व हवा में चक्कर लगाते व्यतीत करते हैं। गिद्धों के पंख विशाल, चौड़े व मजबूत होते हैं, जिनसे इन्हें एक कुशल उड़ाकू पक्षी माना जाता है। ये कम से कम एक विंग बीट एक सेकंड की गति से लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकते हैं। एक अनुमान के तहत ये गिद्ध हवा के दबाव वाले व चक्र वाले भंवर के स्थान पर बिना पंख हिलाए पंखों को हॉरिजॉन्टल आकार में फैलाकर लगातार 5 से 6 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं।
तथा बिना ऊर्जा खर्च किए गर्म हवाओं के भंवर के साथ ये ग्लाइडिंग करते हुए 10 से 15 हजार मीटर तक ऊंचे चले जाते हैं। इस दौरान लगातार 5 से 6 घंटे तक इनके पंखों की मांसपेशियां अपनी पूरी लंबाई में फैलाव लिए पंखों को स्थिर रखती हैं। गिद्धों को उड़ान व वापस जमीन पर उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुला मैदान चाहिए। साधारणतः एक बड़े गिद्ध को उड़ने के लिए कम से कम 50 से 100 मीटर का खुला स्थान चाहिए, जिस पर वो सबसे पहले अपने पंखों को पूरा चौड़ा कर दौड़ लगाते हैं। वह एक वायुयान की तर्ज पर दौड़ के पश्चात अपने को हवा में ऊपर उठा लेते हैं। अतः गिद्धों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना उड़ान भरने व कुशलता से नीचे जमीन पर उतरने में ही करना पड़ता है। इसीलिए वे फुर्सत की क्षणों को अपने पंखों की देखरेख में व्यतीत करते हैं। दोपहर पश्चात किसी शांत जल के स्रोत पर जाकर ये अपनी प्यास बुझाते हैं। वह अपने रक्त रंजित शरीर व पंखों को साफ करते हैं, जो भोजन के दौरान खून व मांस से भर जाते हैं। वर्ष 1995-96 की गणना में 7 विभिन्न प्रजातियों के कुल 630 गिद्ध देखे गए। ये संख्या वर्ष 2004-05 की गणना में 933 तक पहुंच गई। लेकिन पिछले 9 वर्षों के दौरान लंबी गर्दन वाले गिद्धों व सफेद पीठ वाले गिद्धों की संख्या में क्रमशः 27% व 62% की कमी देखी गई, जबकि इजिप्शियन गिद्धों की संख्या में 63% की वृद्धि देखी गई। वहीं किंग वल्चरों की संख्या में स्थिरता देखने को मिली। प्रवासी गिद्धों की सभी प्रजातियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका कारण सरलता पूर्वक प्रचुर मात्रा में भोजन व पानी की उपलब्धता व सुरक्षित रात्रि विश्राम के स्थान है। सामूहिक विश्राम स्थल पर शाम से पहले अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये रात्रि में उड़ान नहीं भरते। सामूहिक विश्राम स्थान पर प्रत्येक गिद्ध का स्थान निश्चित होता है, जो समूह में उसके ओहदे के हिसाब से तय होता है, और हमेशा वो उसी निश्चित स्थान पर रात्रि विश्राम करता है। गिद्धों के आवास सामान्यतः सुरक्षित एवं शांत इलाकों में पाए जाते हैं। ये अपना रात्रि विश्राम एवं घोंसले बड़े पेड़ों व पहाड़ियों के दर्रों में करते हैं। भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की 9 प्रजातियों में से किंग वल्चर, व्हाइट बैक्ड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर प्रमुख रूप से बड़े पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं, जबकि सिनरियस वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर,
एवं लेगार्गियन वल्चर प्रमुख रूप से पहाड़ों की दरारों में अपने घोंसले बनाते हैं, जबकि यूरेशियन ग्रीफान वल्चर एवं हिमालयन ग्रीफान वल्चर मुख्य रूप से ऊंचे देवदार व चीड़ के पेड़ों में भी घोंसले बनाते हैं। सामान्यतः गिद्ध अपना सामूहिक रात्रि विश्राम सुरक्षित व ऊंचे पेड़ों या पहाड़ों पर करते हैं, तथा ऐसे सामूहिक विश्राम स्थलों पर कई प्रजातियों के गिद्ध एक साथ देखे जा सकते हैं। प्रायः अक्टूबर से मार्च के बीच में गिद्धों के जोड़े बनते हैं। एक नर व मादा का जोड़ा अपने घोंसले का निर्माण कर उसमें एक सफेद रंग का अंडा देता है। ऊंचे पहाड़ों के दरारों में ये अपना घोंसला सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं। ज्यादातर जोड़े अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देते हैं। 45 से 50 दिन तक अंडे को सेने के पश्चात उसमें से नवजात बच्चा बाहर निकलता है, जो 3 से 4 महीने पश्चात अपने पंख फड़फड़ाने लगता है और 6 से 8 महीने के बाद वो उड़ान भरने योग्य हो जाता है। गिद्धों का जीवन देश के कई भागों में संकटग्रस्त है। मानव द्वारा विकास की अंधी दौड़ में कई प्रकार से गिद्धों की कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में है।